भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ने भ्रामक विज्ञापन अभियान चलाने के लिए पतंजलि आयुर्वेद को कड़ी फटकार लगाई है। परिषद ने योग गुरु बाबा रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद के जीरा बिस्कुट, कच्ची घनी सरसों तेल, केश कांति और दंत कांति सहित कई उत्पादों के खिलाफ शिकायतों को सही पाया है। वैसे ये पहला मामला नहीं है कि नियामक ने पतंजलि के उत्पादों के विज्ञापन में भ्रामक तथ्यों को पाया है। इससे पहले भी मार्च और अप्रैल में परिषद ने पतंजलि के खिलाफ 6 मामलों को सही पाया था। पतंजलि उत्पादों के अलावा मानक परिषद ने HUL, पेप्सिको, ब्रिटेनिया, पिज़्ज़ा हट, अमेज़न, LG इलेक्ट्रॉनिक्स, वोल्टास, एक्सिस बैंक, एयर एशिया और फ्लिपकार्ट सहित अनेक कंपनियों की खिंचाई की है। परिषद की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मई में उसे 155 शिकायतें मिली थी, जिनमें से 109 मामलों को सही पाया गया है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में HUL और पेप्सी की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि पतंजलि आयुर्वेद ने फैसले पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि इस कदम के पीछे कुछ MNC का हाथ हो सकता है। भ्रामक विज्ञापन के लिए घिरी पतंजलि आयुर्वेद कंपनी इस कार्रवाई को MNC की चाल बता रही है, लेकिन ASCI का ये फैसला पतंजलि प्रोडक्ट्स की विश्वसनीयता पर सवाल जरूर खड़े कर रहा है। देखते रहिए GB Live।